हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ऑडियंस एक्ट अप्रेंटिस मैनेज जो था वो बहुत ही जल्द जारी होने वाला है, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि उसमें आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उन सभी डॉक्यूमेंट को आप तैयार कर लें, ठीक है। और रिजल्ट की जहाँ तक बात करते हैं, अप्रैल और मई 2020 में ही आएंगे, एक्सेप्टेड बताया गया और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करें आगे की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो ऑनलाइन एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी UAP से संबंधित नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए, ठीक है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करें। सब मैं बता दूं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाए। सबसे मेरा पहला काम होगा कि अगर आप मैट्रिक के कैंडिडेट लाइक मैट्रिक पर ही फॉर्म को फिलअप किए होंगे, मैट्रिक के डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, ठीक है। इन मैट्रिक के टोटल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट के भी टोटल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ग्रेजुएट अगर हैं तो ग्रेजुएशन के भी टोटल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट है आपके पास, लाइक पीजी के भी डॉक्यूमेंट आप लेके जाइए, अगर पीजी कंप्लीट कर चुके हैं तो उस समय क्या होंगे कि आपके प्रमोशन के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे। देखिए आप पीजी के भी लिखे हैं, आधार कार्ड तो आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड बहुत ही कंपलसरी है, बिकॉज क्योंकि बिना आधार कार्ड का तो कुछ होगा नहीं। पैन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, इलेक्शन कार्ड अगर वोटर आई कार्ड है, लाइक इलेक्शन कार्ड है तो लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए एकदम करेंट, और आपके पास निवास प्रमाण पत्र करंट होना चाहिए। चार फोटो लेकर जाना है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा फोटो लेकर जाते हैं, जैसे छः या पाँच या सात फोटो लेकर जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो कम से कम आपको चार फोटो आपके पास होना चाहिए। जो फॉर्म आप फिलअप किए होंगे उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ठीक है। प्रिंट आउट आपको मिला ही होगा, उस प्रिंट आउट को भी लेकर जाना, और क्या करना है सबको फोटो कॉपी करा लेना है, ठीक है। ओरिजिनल लेकर जाना तो है लेकिन सबको फोटो कॉपी भी करा लेना है, क्योंकि फोटो कॉपी से ही आपका डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होता है आपको ओरिजिनल भी चेक किए जाएंगे, ठीक है। अगर किसी प्रकार का कोई भी आपके पास डिग्री हो एक्स्ट्रा में तो उसको भी लेकर जाना है, क्योंकि इस तरह से क्या होता है आपको प्रमोशन भी मिलेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छे लगे होंगे, साथ साथ UAP के जो भी जितनी भी जानकारी आपको चाहिए, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो ऑनलाइन एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर आप बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स है, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट जो हैं कमेंट करके मुझे बताएं कि सर मेरा 70% है, सर मेरा 80% है, सर मैं ITI हूँ, मैं नॉन ITI हूँ, मैं यहाँ से फॉर्म फिल करके, मैंने सबको बताया हुआ, और आप देख भी सकते हैं किस प्लेस से कितनी वैकेंसी है और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, आप मेरे अगले वाले वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।